साधना टेरिस गार्डन से साधना बात कर रही हूँ। आज हम लोग ये फ्राइड शिमला मिर्च कैसे बनाते हैं वो आज मैं बताऊंगी। दोस्तों देखिए, मैंने ये शिमला मिर्च काट के रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इधर देखिए, मैंने ऑनियन काट के रखी हुई है। दोस्तों ये मैंने दो ऑनियन काट के रखी हुई है। ऑनियन काटने का तरीका देखिए दोस्तों, ऐसे आप बीच में से आधा करने के बाद ऐसे पास पास कट मारें और इसको पकड़ के आराम से ऐसे कटिंग करें तो आपका जो ऑनियन है एकदम महीन कटेगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये ऑनियन काटने का सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से हम लोग टमाटर काटते हैं। टमाटर बीच में से आधा कर लिया दोस्तों। इधर देखिए, सबसे पहले मैंने ये ऑयल को गर्म होने रख दिया है। दोस्तों ऑयल में हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। तो ये हमने शिमला मिर्च पूरी रेडी कर ली है। शिमला मिर्च में से ऑयल अलग निकाल दिया है दोस्तों। अभी इसका शिमला मिर्च का ऑयल हमें वेस्ट नहीं करना है। इसमें जो भी ऑयल रहेगा वो हमारी प्याज में मिक्स हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, इसमें हम प्याज भी भुनने के लिए मिक्स करके डाल देंगे। ये हमने अब अलग से फ्राई करने के लिए प्याज को ऑयल में डाला है। ये कम ऑयल में हम कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ट्रिक है दोस्तों। आपको जो सब्जी फ्राई करनी है पहले फ्राई करके ऑयल को ना निकाल दें, और ऑयल निकाल के वो सब्जी के साथ ही प्याज भुनने डाल दें। बस आप इसमें और आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, आधा चम्मच मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ा बीच में जीरा डाल दीजिए। जब वो चटकने लग जाए तब मिक्स कर दीजिए। जब से आपको और ये घी डालने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो उसमें भुन जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास जीरा डालने का कोई और साधन नहीं है तो आप थोड़ा सा राई में भी छोंक सकते हैं दोस्तों। कोई भी सब्जी छोंकने के लिए, तमिल वाले लोग तो सब चीज राई में खाते हैं। आज हमने ये नया ट्राई किया है, राई में छोंक रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, राई भी फ्राई होने जा रही है बीच में। मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है दोस्तों। देखिए राई आपको फ्राई होती हुई दिख रही होगी। जब ये फ्राई अच्छी तरह से हो जाएगी दोस्तों, तो हम इसको मिक्स कर देंगे। अब भी हम मिक्स कर देंगे तो राई हमारी कच्ची रह जाएगी। आपने हल्दी और मिर्च देखा, हमने ऊपर की तरफ डाला है। ये भी पूरा मिक्स कर देंगे और मिक्स कर देंगे तो ये सब मसाले आप देखेंगे दोस्तों कच्चे नहीं रहेंगे, पूरा मिक्स हो जाए। जब प्याज हमारी हाफ फ्राई जैसी हो जाए उस समय कटिंग करे हुए टमाटर डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, धनिया डाल दें। आपका कड़ी पत्ता खाने का मन है तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। बहुत से लोग धनिए की जगह कड़ी पत्ता का ज्यादा यूज करते हैं कि वो फलों को फायदा करती है। ये आपके चॉइस पर डिपेंड है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग इसी में बेसन भून के डाल देते हैं तो बेसन की सब्जी कहलाती है शिमला मिर्च। पर आज हम फ्राई करेंगे ये शिमला मिर्च की सब्जी बना रहे हैं। अगर आपके पास पनीर है तो पनीर भी कटिंग करके डाल दें दोस्तों। और चौकोर चौकोर पीस अगर आलू के कटिंग करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इनको प्लेन अपनी शिमला मिर्च की सब्जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों। अब आप इसमें आधा चम्मच सॉल्ट डाल दें। सॉल्ट डालने से जो है सब्जी जल्दी पकती है दोस्तों। ये आधा चम्मच हमने इसलिए डाला कि ये पूरा जब बनेगी तो थोड़ी सी रह जाएगी दोस्तों। अभी बहुत ज्यादा पूरी बनी है, पकने के बाद कम रह जाती है। तो ज्यादा नमक कभी भी नहीं डाला, थोड़ा कम डाला। फिर टेस्ट करके जब पूरी रेडी हो जाए आप एक स्पून में लेके टेस्ट करें
आपको ये लगे कि हाँ आप ये बन रही है सब्जी रेडी रेडी हो गई है जी, नमक पेश करके आप और नमक बनाओ। देखिए दोस्तों इसमें ना ज्यादा मसालों की जरूरत है ना ज्यादा ऑयल की जरूरत है। हमने शिमला मिर्च को फ्राई जरूर किया है परंतु इसमें फ्राई जैसा ये नहीं है कि बहुत ऑयल लगाओ दोस्तों, बहुत कम ऑयल में हमने ये सब्जी बनाई दोस्तों। बस आप ये ढक्कन से ढक दें, अब जब प्याज फ्राई हो जाएगी हमने स्लो गैस कर दिया, थोड़ी देर में टमाटर डाल के हम फ्राई कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए मैंने टमाटर डाल दिए हैं और इसको गैस ऑन कर दिया है, थोड़ी देर फ्राई होगा तो बॉइल होने दें और अच्छी तरह से इसमें मैंने थोड़ा सा घी मसाला धनिया काट के डाल दिया है दोस्तों। ये देखिए आपकी सब्जी तैयार है और इसको आप पराठा सब्जी पराठा रोटी पूरी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी रहती है। पनीर हो तो पनीर डाल लीजिए, नहीं हो तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मुझे इसे जो कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।